जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मैं देवानंद गुरु जी चित्रकूट अथर्वेदाचार्य आज आपको बताऊंगा सर्गी के विषय में। सर्गी किसके द्वारा प्राप्त होती है? करवा चौथ का पावन व्रत। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर यानी बुधवार को है। इस दिन सभी माताएं बहने अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का कठोर निर्जला व्रत रहती हैं। इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी लेकर की जाती है, लेकिन यह सर्गी क्या होती है इस पर हम आइए आगे विस्तार से जानते हैं। सर्गी करवा चौथ के दिन व्रत को शुरू करने की रस्म होती है, जिसके बिना करवा चौथ का व्रत शुरू नहीं किया जा सकता। सर्गी सास द्वारा दी जाती है, जिसमें खाने पीने की वस्तुएं सहित 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं, पूजन सामग्री, सर्गी में फल मिठाइयां ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, जिन्हें करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले ग्रहण करके उपवास शुरू किया जाता है। जिन व्रतियों की सास नहीं है, यहाँ विशेष ध्यान दें, वह अपनी जेठानी से सर्गी ले सकती हैं। अगर बात की जाए कि सर्गी क्यों खाई जाती है, तो करवा चौथ का यह व्रत बहुत ही दुर्लभ और कठोर होता है, जिसमें निर्जला व्रत रहना होता है, इसलिए सर्गी खाई जाती है, जिसमें पौष्टिक और आसानी से पचने वाले व्यंजन अथवा अन्य चीजें रखी जाती है। सर्गी का बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सर्गी एक परंपरा है और जिसके बिना इस व्रत की शुरुआत नहीं की जा सकती। साथ ही सर्गी में दिए जाने वाले व्यंजनों को ग्रहण करके ही व्रत की शुरुआत होती है, इसलिए यह व्रत का महत्वपूर्ण भाग है। सर्गी खाने का जो मुहूर्त है, सभी माताएं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 तक सर्गी खा लें, यह सबसे उत्तम समय होता है, यह आपने जाना। धन्यवाद।